सलमान खान, जी हाँ सलमान खान भी पिछड़ गए हैं पवन सिंह से। अब आपको प्रूफ चाहिए तो हम आपको प्रूफ दे देते हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि फिल्म राधे का टाइटल सॉन्ग आया था, आपको तो पता ही है कि फिल्म बहुत बुरी तरह से पिट गई थी, लेकिन उस सॉन्ग को रिलीज़ किए हुए भी एक महीना से ऊपर हो चुका है और पवन सिंह के सॉन्ग पुदीना ए हसीना को रिलीज़ हुए भी एक महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन इन दोनों के व्यूज़ में ज़मीन आसमान का अंतर है। और लाइक्स तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सलमान के उस गाने पे डिसलाइक्स इतना है कि लाइक्स उससे कम पड़ जाए, लेकिन पवन का ये सॉन्ग भाई अब बॉलीवुड में भी सुना जा रहा है। आपने हमारे पिछले रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से भूमि पेंडेकर ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पे पवन सिंह का ये सॉन्ग शेयर किया था, और अब देख लीजिए अपने सामने ही कि पवन सिंह का ये सॉन्ग 87 मिलियन क्रॉस हो चुका है, जल्द ही ये 100 मिलियन क्लब में शामिल हो जाएगा और पवन सिंह के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर माने जाते हैं सलमान खान, क्योंकि पवन सिंह को पूर्वांचल का सलमान खान ही कहा जाता है। और उनका ये सॉन्ग जो कि पवन सिंह के ही सॉन्ग के समय रिलीज़ किया गया था, उनका फिल्म राधे का टाइटल सॉन्ग 56 मिलियन ही है, जिससे ये पता चलता है कि भाई अगर मेहनत और लगन और अच्छी लिरिक्स के साथ कोई चीज़ पेश की जाए तो भाषाएं आड़े कभी नहीं आती। ऐसे ही थोड़ी पंजाबी फिल्मों के गाने मिलियंस क्रॉस करते हैं, और अब पवन सिंह का ये सॉन्ग आप देख लीजिए कि किस तरह से अंतर बता रहा है दो सुपरस्टार के स्टारडम का। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।